त्रिस्कंद ज्योतिष का संहिता प्रकरण विविध उपयोगी विषयों का वर्णन। सनंदन जी बोले, महाराज जी चैत्र मासो चैत्राधिक मासों में क्रमशः मेषादि राशियों में सूर्य की संक्रांति होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ में जो 12 दिन हो वही वही ग्रह उस चंद्र वर्ष का राजा होता है। सूर्य के मेष राशि प्रवेश में जब वो वार हो वह सेनापति या मंत्री होता है। कर्क राशि की संक्रांति के समय जो वार हो वह सस्य धान्य का अधिपति होता है। उस वर्ष आदि का अधिपति यदि सूर्य हो तो वह मध्यम शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। चंद्रमा हो तो उत्तम फल देता है। मंगल अधिपति हो तो अनिष्ट अशुभ फल देने वाला होता है। बुध गुरु और शुक्र ये तीनों अति उत्तम शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। शनि अधिपति हो तो अशुभ फल होता है। इन ग्रहों के बलाबल देखकर तदनुसार उसके न्यून या पूर्ण फल समझने चाहिए। धूमकेतु पुच्छ तारा आदि के फल यदि कदाचित कहीं से सूर्य मंडल में दंड मतलब लाठी मस्तक इन शरीर कौवा या कील के आकार वाले हेतु चिन्ह दिखने में आए तो वहाँ व्याधि भ्रांति तथा चोरों के उपद्रव से धन का नाश होता है। छत्र ध्वज पताका या सजल मेघखंड सदस्य अथवा स्फूर्ति अग्निकर्ण सहित ध्रुम सूर्यमंडल में दिखाई पड़े तो उस देश का नाश होता है। शुक्ल लाल पीला तथा अथवा काला सूर्यमंडल दिखने में आवे तो क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों को पीड़ा होती है। मुनिवर यदि 2, 3 या 4 प्रकार के रंग सूर्यमंडल में दिखाई पड़े तो राजा का नाश होता है। यदि सूर्य की उग्र ऊर्ध्वगामिनी किरण लाल रंग की दिखाई पड़े तो सेनापति का नाश होता है। यदि उसका पीला वर्ण हो तो राजकुमार का श्वेत वर्ण हो तो राजपुरोहित का तथा उसके अनेक वर्ण हो तो प्रजाजनों का नाश होता है। इसी तरह धूम्र वर्ण हो तो राजा का और पिंगल वर्ण हो तो मेघों का नाश होता है। यदि सूर्य की उक्त किरणें नीचे की ओर हो तो संसार का नाश होता है। सूर्य शिशिर ऋतु मग फाल्गुन में तांबे के समान लाल दिखाई पड़े तो संसार के लिए शुभ कल्याणकारी होता है। ऐसे ही वसंत चैत्र वैशाख में कुकम वर्ण ग्रीष्म में पांडु श्वेत पीत मिश्रित वर्ण वर्षा में अनेक वर्ण शरद ऋतु में कमल वर्ण तथा हेमंत में रक्त वर्ण का सूर्यबिंब दिखाई पड़े तो उसे शुभप्रद समझना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ नारद यदि शीतकाल में अगहन के फाल्गुन तक सूर्य का बिंब पीला वर्षा में मतलब श्रावण से कार्तिक तक श्वेत उजला तथा श्वेत ग्रीष्म में चैत्र से आषाढ़ तक लाल रंग का दिखाई पड़े तो क्रम से रोग अवर्षण तथा भय उपस्थित करने वाला होता है। यदि कदाचित सूर्य का आधा बिंब धनुष के सदत दिखाई पड़े तो राजाओं में परस्पर विरोध बढ़ता है। खरगोश के रंग के सदस्य सूर्य का वर्ण हो तो शीघ्र ही राजाओं में महायुद्ध प्रारंभ होता है। यदि सूर्य का वर्ण मोर की पांख से समान हो तो वहाँ 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। यदि सूर्य कभी चंद्रमा के समान दिखाई पड़े तो वहाँ के राजा को जीत कर दूसरा राजा राज्य करता है। यदि सूर्य श्याम रंग का दिखाई पड़े तो कीड़ों का भय होता है। भस्म समान दिखाई पड़े तो समूचे राज्य पर भय उपस्थित होता है। और यदि सूर्य मंडल में छिद्र दिखाई पड़े तो वहाँ के सबसे बड़े सम्राट की मृत्यु होती है। कलश के समान आकार वाला सूर्य देश में भुखमरी का भय उपस्थित करता है। तोरण सदस्य आकार वाला सूर्य ग्राम तथा नगरों का नाशक होता है। छात्राकार सूर्य उदित हो तो देश का नाश हो और सूर्य बिंब खंडित दिखा पड़े तो राजा का नाश होता है। यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात एवं उल्कापात हो तो राजा का नाश या राजाओं में परस्पर युद्ध होता है। यदि 15 या 3.5 दिन में सूर्य पर तथा रात्रि में चंद्रमा पर विशेष परिवेश मतलब मंडल हो अथवा उदय और अस्त समय में वह अत्यंत रक्तवर्ण का दिखाई दे तो राजा का परिवर्तन होता है। उदय या अस्त के समय यदि सूर्य शस्त्र के समान आकार वाले या गधे ऊंट आदि के सदस्य अशुभ आकार वाले मेघ से खंडित या प्रतीत हो तो राजाओं में युद्ध होता है। चंद्रक स्तृंत फल मीन तथा मेष राशि में यदि द्वितीय तिथि को उदय काल में चंद्रमा का दक्षिण
श्रृंग उत्तन उन्नत मतलब ऊपर उठा हो तो वह शुभप्रद होता है। मिथुन और मकर में यदि उत्तम उत्तर श्रृंग उत्तम हो तो उन्नत हो तो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। कुंभ और वृषभ में यदि दोनों श्रृंग सम हो तो शुभ। कर्क और धनु में यदि श्रृंग शरद सर सदस्य हो तो शुभ है। वृश्चिक और सिंह में भी धनुष सदस्य हो तो शुभ है तथा तुला और कन्या में यदि चंद्रमा का श्रृंग शुल के सदस्य दिखाई दिख पड़े तो शुभ फल समझना चाहिए। जिससे विपरीत स्थिति में चंद्रमा का उदय हो तो उस मास में पृथ्वी पर दुर्भिक्ष राजाओं में परस्पर विरोध तथा युद्ध आदि अशुभ फल प्रकट होते हैं। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा मूल और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में चंद्रमा यदि दक्षिण दिशा में हो तो जलचर वंचर और सर्प का नाश तथा अग्नि का भय होता है। विशाखा और अनुराधा में यदि दक्षिण भाग में हो तो पाप फल देने वाला होता है। मघा और वैशाखा में यदि चंद्रमा मध्य भाग में होकर चले तो वो भी शुभ प्रद होता है। रेवती से मृगशिरा पर्यंत छह नक्षत्र अनागत अद्रा से अनुराधा पर्यंत बारह नक्षत्र मध्य योगी और वास्तव मतलब ज्येष्ठा से नौ नक्षत्र गत योगी हुए। इनमें भी चंद्रमा उत्तम भाग में उत्तर भाग में रहने पर शुभप्रद होता है। भरणी ज्येष्ठा अश्लेषा आद्रा सतभिषा और स्वाति ये अर्धभोग मतलब 400 कला ध्रुव तीनों उत्तर उत्तरारोहिणी पुनर्वसु और विशाखा ये साध्य का भोग 1200 कला तथा अन्य नक्षत्र संपूर्ण भोग 800 कला से साधारणतः चंद्रमा की दक्षिण श्रृंगोत्पत्ति अशुभ और उत्तर श्रृंगोत्पत्ति सुखप्रद है। तिथि के अनुसार चंद्रमा में शुक्ल न होकर यदि शुक्लता में हानि कमी हो तो प्रजा के कार्य में हानि और शुक्लता में वृद्धि अधिकता हो तो प्रजाजन की वृद्धि होती है। समता समझनी चाहिए। यदि चंद्रमा का बिंब मध्यमान से विशाल मतलब बड़ा दिखने में आए तो सुभिक्ष कारक मतलब सस्ती लेने वाला और छोटा दिखाई पड़े तो दुर्भिक्ष कारक मतलब महंगा या अकाल कर लाने वाला होता है। चंद्रमा का श्रृंग अधोमुख हो तो शस्त्र का भय होता है। दंडकार हो तो कलह राजा प्रजा में युद्ध होता है। चंद्रमा का श्रृंग अथवा बिंब मंगलादि ग्रह बुध मंगल गुरु शुक्र तथा शनि ये आहत भेदित दिख पड़े तो क्रमशः क्षेम अन्नादि वर्षा राजा और प्रजा का नाश होता है। भौम चार फलम जिस नक्षत्र में मंगल का उदय हो उसमें सातवें आठवें या नवें नक्षत्र में वक्र हो तो उसे उष्ण नामक वक्र होता है। उसमें प्रजा को पीड़ा और अग्नि का भय प्राप्त होता है। यदि उदय के नक्षत्र दसवें ग्यारहवें तथा बारहवें नक्षत्र में मंगल वज्र हो तो वह अश्वमुख नामक वक्र होता है। उसमें अन्न और वर्षा का नाश होता है। यदि तेरहवें या चौदहवें नक्षत्र में वक्र हो तो व्यालमुख वक्र कहलाता है। उसमें भी अन्न और वर्षा का नाश होता है। पंद्रहवें या सोलहवें नक्षत्र में वक्र हो तो रुधिरमुख वक्र कहलाता है। उसमें मंगल दुभिक्षण सुखदा तथा रोग को बढ़ाता है। सहस्त्रवें या अठारहवें सत्तरवें या अठारहवें नक्षत्र में वक्र हो तो वह मुसल नामक वक्र होता है। उसमें धन धान्य का नाश तथा दुर्भिक्ष का भय होता है। यदि मंगल पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उदित होकर उत्तराषाढ़ में वक्र हो तो हो तथा रोहिणी में अस्त हो तो तीन लोकों में तीन नाशकारी होता है। यदि मंगल श्रवण में उदित होकर पुण्य में वक्रगति हो तो धन की हानि करने वाला होता है। मंगल जिस दिशा में उदित होता है उस दिशा के राजा के लिए भयकारक होता है। यदि मघा नक्षत्र के मध्य होकर चलता हुआ मंगल उसमें वक्र हो जाए तो वर्षण मतलब वर्षा का अभाव और सत्र का भय लगता है तथा राजा के लिए विनाशकारी होता है। यदि मंगल मघा विशाखा या रोहिणी के योग तारा का भेदन करके चले तो दुर्भिक्ष मरण तथा रोग कर लाने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा उत्तर भाद्रपदा रोहिणी मूल श्रवण और मृगशिरा इन नक्षत्रों के बीच में तथा रोहिणी के दक्षिण होकर मंगल चले तो अनावृष्टि का कारण होकर होता है।
मंगल सब नक्षत्रों के उत्तर होकर चले तो शुभप्रद है और दक्षिण होकर चले तो अशुभ फल देने वाला तथा प्रजा में कलह उत्पन्न करने वाला होता है। बुध चार फल यदि एकाचित आदि मेघ आदि उत्पन्न न होने पर शुद्ध आकाश में भी बुध का उदय देखने में न आवे तो अनावृष्टि अग्नि भय अनर्थ और राजाओं में युद्ध की संभावना समझनी चाहिए। धनिष्ठा श्रवण उत्तराषाढ़ा मृगशिरा और रोहिणी में चलता हुआ बुध यदि उन नक्षत्रों के योगताराओं का भेदन करे तो वह लोक में बाधा और अनावृष्टि आदि के द्वारा भयकारी होता है। यदि आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में बुध दृश्य हो तो दुर्भिक्ष कला रोग तथा अनावृष्टि आदि का भय उपस्थित करने वाला होता है। हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा तथा ज्येष्ठा नक्षत्रों में बुध के रहने से लोक में कल्याण सुभिक्ष तथा आरोग्य होता है। उत्तर भाद्रपदा उत्तरा फाल्गुनी उत्कृतिका और भरणी में चरणे विचरने वाला बुध वैद्य घोड़े और व्यापारियों का नाश करने वाला होता है। पूर्व फाल्गुनी पूर्व साढ़ा और पूर्व भाद्रपदा में विचरता हुआ बुध यदि इन नक्षत्रों के योग ताराओं का भेदन करे तो सुधा शस्त्र अग्नि और चोरों से प्राणियों को भय प्राप्त होता है। भरणी कृतिका रोहिणी और स्वाति इन नक्षत्रों में बुध की गति प्राकृति की कही गई है। आद्रा मृगशिरा अश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में बुध की गति मिश्रा मानी गई है। पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी पुष्य और पुनर्वसु इनमें बुध की संक्षिप्ता गति कही गई है। पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती और अश्विनी इनमें बुध की तीक्ष्णा गति होती है। उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा और मूल में उनकी युगांतिका गति मानी गई है। श्रवण चित्र अधनिष्ठा और शतविशा में घोरा गति और विशाखा अनुराधा तथा हस्त इन नक्षत्रों में बुध की पाप संज्ञक गति होती है। इन प्राकृतिक आदि सात प्रकार की गतियों में उदित होने पर जितने दिन तक बुध दृश्य रहता है उतने ही दिन उसमें हस्त होने पर अदृश्य रहता है। उन दिनों की संख्या क्रम से 40, 30, 22, 18, 9, 15 और 11 है। बुध जब प्राकृतिक गति में रहता है तब वो संसार में कल्याण आरोग्य और सुभिक्ष मतलब अन्न वस्त्र आदि की वृद्धि करता है। मिश्र और संक्षिप्त गति में मध्य फल देता है तथा अन्य गतियों में अनावृष्टि मतलब दुर्भिक्ष कारक होता है। वैशाख श्रावण पोष और आषाढ़ में उदित होने पर बुध पाप रूप फल देता है और अन्य मासों में उदित होने पर वह शुभ फल देता है। अश्विन और कार्तिक में बुध का उदय हो तो शस्त्र दुर्भिक्ष और अन्न का भय प्राप्त होता है। यदि उदित हुए बुध की क्रांति चांदी अथवा स्फटिक के समान स्वच्छ हो तो वह श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। बृहस्पति चार फल कृतिका आदि दो नक्षत्रों के आश्रय से कार्तिक आदि मास होते हैं परंतु अंतिम मतलब अश्विन पंचम मतलब फाल्गुन और एकादश मतलब भाद्रपद ये तीन नक्षत्रों से पूर्ण होती है। इस प्रकार बृहस्पति का जिन नक्षत्रों में उदय होता है उन नक्षत्रों से मास के अनुसार ही संवत्सरों के नाम होते हैं। उन संवत्सरों में कार्तिक और मार्गशीर्ष नामक संवत्सर प्राणियों के लिए अशुभ फलदायक होते हैं। पौष और माघ नामक संवत्सर शुभ फल प्राप्त फूल शुभ फल देने वाले होते हैं। फाल्गुन और चैत्र नामक संवत्सर मध्यम मतलब शुभ अशुभ दोनों फल देते हैं। वैशाख शुभ प्रद और ज्येष्ठ मध्यम फल देने वाला होता है। आषाढ़ मध्यम और श्रावण श्रेष्ठ होता है तथा भाद्रपद भी कभी 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 श्रेष्ठ होता है और कभी नहीं होता परंतु अश्विन संवत्सर तो प्रजाओं के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मुनिश्रेष्ठ इन इस प्रकार संवत्सरों का फल समझना चाहिए। बृहस्पति जब नक्षत्रों के उत्तर होकर चलता है तब संसार में कल्याण आरोग्य और तथा सुभिक्ष करने वाला होता है। जब नक्षत्रों के दक्षिण होकर चलता है तब विपरीत परिणाम अशुभ रोग वृद्धि तथा दुर्भिक्ष उपस्थित करता है तथा जब मध्य होकर चलता है तब समय मध्यम फल प्राप्त कराता है। गुरु का बिंब यदि पीत वर्ण अग्नि सदस्य श्याम हरित और लाल दिखाई दे तो प्रजाओं में क्रमशः व्याधि अग्नि चोर शस्त्र और शास्त्र का भय उपस्थित होता है। यदि गुरु का वर्ण धुएं के समान हो तो वह अनावृष्टि कारक होता है। यदि गुरु दिन में प्रातः सायं छोड़कर
दृश्य हो तो राजा का नाश, रोग भय तथा राष्ट्र का विनाश होता है। कृतिका तथा रोहिणी ये संवत्सर के शरीर है। पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ ये दोनों नाभि है। आद्रा हृदय है तथा मघा हृदय और मघा संवत्सर का पुष्प है। यदि शरीर पाप से पीड़ित हो तो दुर्भिक्ष अग्नि और वायु का भय उपस्थित होता है। नाभि पाप ग्रह से युक्त हो तो श्रद्धा और तृष्णा से पीड़ा होती है। पुष्य पाप ग्रह से आक्रांत हो तो मूल और फलों का नाश होता है। यदि हृदय नक्षत्र पाप ग्रह से पीड़ित हो तो अग्नि का नाश होता है। शरीर आदि शुभ ग्रह से संयुक्त हो तो सुभिक्ष और कल्याण आदि शुभ फल प्राप्त होता है। यदि मघा आदि नक्षत्रों में बृहस्पति हो तो वह क्रमशः शस्य वृद्धि, प्रजा में आरोग्य, युद्ध, अनावृष्टि, द्विजातियों को पीड़ा, कौओं को सुख, राजाओं को सुख, स्त्री समाज को सुख, वायु का अवरोध, अनावृष्टि, भय, सर्प भय, सुवृष्टि, स्वास्थ्य, उत्सव वृद्धि, महार्ध संपत्ति की वृद्धि, देश का नाश, अतिवृष्टि, वैत, निवर्ता रोग वृद्धि, भय की हानि, रोग भय, अन्न की वृद्धि, वर्षा, रोग की वृद्धि, धान्य की वृद्धि और अनावृष्टि रूप फल देता है। शुक्र चार फल, शुक्र के तीन मार्ग है, सौम्य मतलब उत्तर, मध्यम और याम्य मतलब दक्षिण। उनमें से प्रत्येक के तीन दिन विधियां हैं और एक एक विधि में बारी बारी से तीन दिन नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्र को अश्विनी से आरंभ करके जानना चाहिए। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक शुक्र के मार्ग में क्रमशः नाग, ईभ, ऐरावत, वृष, पुष्ट, सखर, मृग, अज तथा दहन ये नौ विधियां है। उत्तर मार्ग की तीन विधियों में विचरण करने वाला शुक्र धान्य, धन, वृष्टि और शस्य मतलब अन्न की फलस्य इन सब वस्तुओं को पुष्टि एवं परिपूर्ण करता है। मध्य मार्ग की जो तीन विधियां हैं उसमें शुक्र के जाने से सब अशुभ ही फल प्राप्त होती है। मघा से पांच नक्षत्र में जब शुक्र आता है जाता है तो पूर्व दिशा में उठा हुआ मेघ सुवृष्टि कारक तथा शुभप्रद होता है। स्वाति से तीन नक्षत्र तक जब शुक्र रहता है तब पश्चिम दिशा देश में मेघ सुवृष्टि करता और शुभदायक होता है। से सब नक्षत्रों में उसका फल विपरीत मतलब अनावृष्टि और दुर्भिक्ष करने वाला होता है। शुक्र जब बुध के साथ रहता हो तो सुवृष्टि कारक होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या में यदि शुक्र का उदय या अस्त हो तो पृथ्वी जल से परिपूर्ण होती है। गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम राशि में हो तथा एक पूर्व विधि में और दूसरा पश्चिम विधि में विद्यमान हो तो वे दोनों देशों में अनावृष्टि तथा दुर्भिक्ष करने वाला और राजाओं में परस्पर युद्ध कराने वाला होता है। मंगल, बुध, गुरु और शनि यदि शुक्र से आगे होते हैं तो युद्ध, अतिवायु, दुर्भिक्ष और अनावृष्टि करने वाले होते हैं। पूर्वाषाढ़, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा तथा इन नक्षत्रों में शुक्र हो तो वह सुभिक्ष कारक होता है। मूल में जो हो तो भय, शस्त्र भय और अनावृष्टि देने वाला होता है। उत्तर भाद्रपद और रेवती में शुक्र के रहने पर भय प्राप्त होता है। शनि चार फल, श्रवण, स्वाति, अस्त्र, आद्रा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी इन नक्षत्रों में विचरने वाला शनि मनुष्य के लिए सुभिक्ष आरोग्य तथा खेती की उपज बढ़ाने वाला होता है। जन्म नक्षत्र प्रथम करके मनुष्याकृति शनि चक्र के मुख में एक गुदा में दो, सिर में तीन, नेत्रों में दो, हाथ में पांच, बाएं हाथ में चार, बाएं पैर के में तीन, दक्षिण पाद में तीन तथा दक्षिण हाथ में चार। इस तरह नक्षत्रों की स्थापना करें। शनि का वर्तमान नक्षत्र जिस अंग में पड़े उसका फल निम्नलिखित रूप से जानना चाहिए। शनि नक्षत्र मुख में हो तो रोगी हो तो रोग, गुदा में हो तो लाभ, सिर में हो तो हानि, नेत्र में हो तो लाभ, हृदय में हो तो सुख, बाएं हाथ में हो तो बंधव, बाएं पैर में हो तो परिश्रम,
दाहिने पैर में हो तो श्रेष्ठ यात्रा और दाहिने हाथ में हो तो वह धन धान्य धन लाभ होता है। इस प्रकार क्रमशः फल कहे गए हैं। बहुधा वक्रगामी होने पर शनि लोक में इन फलों की प्राप्ति कराता ही है। यदि वह सम मार्ग पर हो तो फल भी मध्यम होता है। यदि वह शीघ्रगति हो तो उत्तम फल प्राप्त होता है। राहु चार फल। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु का मस्तक काट दिया तो अभी अमृत पी लेने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, अतः उसे ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित कर लिया गया। वह ब्रह्मा जी के वर से संपूर्ण पर्व मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के समय चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा देता है, किंतु सर तथा अवनति अधिक होने के कारण वह उन दोनों से दूर ही रहता है। एक सूर्य ग्रहण के बाद दूसरे सूर्य ग्रहण का तथा एक चंद्रमा के बाद दूसरे चंद्रमा का विचार 6 मास पर पुनः कर लेना चाहिए। प्रति 6 मास पर क्रमशः ब्रह्मादि 7 देवता प्रवेश मतलब ग्रह के अधिपति होते हैं। उसके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा यम। ब्रह्म पूर्व में ग्रहण होने पर पशु, धान्य और बीजों की वृद्धि होती है। चंद्र पर्व में ग्रहण हो तो भी ऐसा ही फल होता है। विशेषता इतनी है कि लोगों को कफ से पीड़ा होती है। पूर्व इंद्र पर्व में ग्रहण होने पर राजाओं में विशेष जगत में दुख तथा खेती बारी का नाश होता है। वरुण पर्व में ग्रहण होने पर राजाओं का कल्याण और प्रजाओं का कल्याण होता है। अग्नि पर्व में ग्रहण हो तो वृष्टि धन वृद्धि तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। और पंच पर्व में अग्नि पर्व में ग्रहण हो तो वृष्टि धान्य वृद्धि तथा कल्याणकारी प्राप्त होती है। यम पर्व में ग्रहण होने पर वर्षा का अभाव, खेती की हानि तथा दुर्भिक्ष फल प्राप्त होता है। वेलाहीन समय में अर्थात वेला से पहले ग्रहण हो तो खेती की हानि तथा राजाओं को दारुण प्रय प्राप्त होता है। और अति वेला काल में अर्थात वेला बिताकर ग्रहण हो तो फूलों की हानि होती है, जगत में भय होता है और खेती चौपट हो जाती है। जब एक ही मास में चंद्रमा सूर्य दोनों का ग्रहण हो तो राजाओं को विरोध होता है तथा धन और वृद्धि का विनाश होता है। ग्रहण लगे हुए चंद्रमा और सूर्य का उदय तथा अस्त हो तो राजाओं तथा धन्यों का विनाश करने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा और सूर्य का सर्वग्रास ग्रहण हो तो वे भुखमारी, रोग तथा अग्नि का भय उपस्थित करने वाला होता है। उत्तरायण में ग्रहण हो तो राजाओं, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की जान हानि होती तथा दक्षिणायन में ग्रहण होने पर अन्य वर्ण के लोगों का हानि पहुंचती है। सूर्य या चंद्रमा के बिंब के उत्तर, पूर्व आदि मध्यम भाग में यदि राहु का दर्शन हो, स्पर्श दिखने में आए तो वह क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को हानि पहुंचाता है। इसी तरह ग्रह के समय ग्रास के और मोक्ष के भी 10-10 भेद होते हैं, जिनकी सूक्ष्म गति को देखना भी नहीं जान सकते सूक्ष्म गति को देवता भी नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। गणित द्वारा ग्रह को लाकर उसके 4 गतिमान, स्पर्श और मोक्ष काल की स्थिति पर विचार करना चाहिए, जिससे उन ग्रह का ग्रहण काल के शुभ और अशुभ फल हो।
मतलब बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करे, धूमकेतु आदि तारा का उदय और अस्त मनुष्य के लिए उत्पात रूप होता है और उत्पात दिव्य भौम और आंतरिक सब भेद से तीन प्रकार के है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देने वाला है। आकाश में यज्ञ की ध्वजा, अस्त्र शस्त्र भवन और बड़े हाथी के सदस्य तथा खंभा त्रिशूल और अंकुश, इन वस्तुओं के समान जो केतु दिखाई देता है उन्हें अंतरिक्ष उत्पात कहते हैं। साधारण तारा के समान ये उदित होकर किसी नक्षत्र के साथ केतु हो तो दिव्य उत्पात कहा गया है। भूलोक से संबंध रखने वाले भूकंप आदि उत्पातों को भौम कहा जाता है। केतु तारा एक होकर भी प्राणियों को अशुभ फल प्राप्त देने वाला है, भिन्न भिन्न रूप धारण करता है कि जितने दिनों तक आकाश में विविध रूपधारी केतु देखने में आता है उतने ही मास या सौर वर्षों तक वह अपना शुभाशुभ फल देता है। जो जो दिव्य केतु के है वे सदा प्राणियों को विविध फल देने वाले होते हैं। अश्व चिकना और स्वच्छ मतलब अश्व चिकना और प्रसन्न मतलब स्वच्छ श्वेत रंग का केतु सुवृष्टि देता है। शीघ्र अस्त होने वाला विशाल केतु अवृष्टि देता है। धनुष इंद्रधनुष के समान क्रांति वाला धनु धूमकेतु तथा तारा अनिष्ट फल देता है। दो तीन या चार रूपों में प्रकट त्रिशूल के समान आकार वाला केतु राष्ट्र का विनाशक होता है। पूर्व तथा पश्चिम दिशा में सूर्य संबंधी केतु माली केतु मणि हार एवं सुवर्ण से समान दीप्तिमान दिखाई दे तो उन दिशाओं में राजाओं की हानि होती है। पलाश बिंब फल रक्त और तोते की चांच आदि के समान वर्णों का केतु अग्नि कोणों में उदित हो तो शुभ फल देने वाला है होता है। भूमि संबंधी केतु की क्रांति जल एवं तेल के समान होती है। वे भूमि भुखमरी का भय देने वाला है। वज्र जनित केतुओं का वर्ण श्वेत होता है। वे सुभिक्षण और कल्याण प्रदान करने वाला होता है। ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न था तीन रंग और तीन अवस्थाओं से युक्त धूमकेतु नामक पितामह जनित आंतरिक केतु प्रजाओं को विनाश करने वाला होता है। यदि ईशान कोण में श्वेत वर्ण के सुनिश्चित केतु उदय हो तो अनिष्ट फल देने वाला है। शिखा रहित एवं कमान कनक का नाम से प्रसिद्ध शनिश्वर संबंधी केतु भी अनिष्ट फलदायक है। गुरु संबंधी केतुओं की विकच संज्ञा है। वे दक्षिण दिशा में प्रकट होने पर भी अभिष्ट कर साधक माने गए हैं। उसी दिशा में सूक्ष्म तथा शुक्ल वर्ण वाले बुद्ध तपस्वी हेतु संबंधी हेतु हो तो वे चोर तथा रोग का भय प्रदान करने वाला है। कंकुम नाम से प्रसिद्ध मंगल संबंधी केतु लाल रंग के होते हैं। उसकी आकृति मंगल के समान होती है, सूर्य के समान होती है। वे ही उत्तर दिशा में उदित होने पर अनिष्टदायक होते हैं। अग्नि के समान क्रांति वाले अग्नि संबंधी केतु विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध है। वे कोण दृष्टि से उदित होने पर सुखद होते हैं। श्याम वर्ण वाले सूर्य संबंधी केतु अरुण होते हैं। वे आप अर्थात सूर्य वे पाप अथवा दुख देने वाले होते हैं। रीच के समान रंग वाले शुक्र संबंधी केतु शुभदायक होते हैं। तारा कृतिका तारा में उदित हुआ धातु धूमकेतु निश्चय ही कृतिका तारा में उदित हुआ धूमकेतु निश्चय ही प्रजाओं का नाश करने वाला है। राजमहल वृक्ष और पर्वत पर प्रकट हुआ केतु राजाओं का नाश करने वाला होता है। कुमुद पुष्प के समान त्रिशूल वाले
कुमुद पुत्र के समान करुणा वाल कुमुद नामक केतु सुमिक्ष देने लाने वाला होता है। संध्या काल में मस्तक सहित उदित हुआ गोलाकार केतु अनिष्ट फल देने वाला होता है। कालमान ब्रह्मा देव मानव पितृ सौर और सावन चंद्रमा नक्षत्र तथा बृहस्पति ये नौ मान होते हैं। इस श्लोक में इन नौ मानों में से पांच के ही द्वारा व्यवहार होता है, किंतु उन नवों मानों का व्यवहार के अनुसार पृथक पृथक कार्य बताया जाएगा। सौर मान से ग्रहों की सब प्रकार की गति पगनादि जाननी चाहिए। वर्षा का समय तथा स्त्री के प्रसव का समय सावन मान से ही ग्रहण किया जाता है। वर्षों के भीतर का सम घटिमान आदि नक्षत्र मान से ही किया जाता है। यज्ञोपवीत मुंडन अति तिथि एवं वर्षेश का निर्णय तथा पर्व उपवास आदि का निश्चय चंद्र मान से किया जाता है। बृहस्पति मान से प्रभवादि संवत्सर का ग्रह स्वरूप ग्रहण किया जाता है। उन मानों के अनुसार 12 महीनों का उनका अपना अपना विभिन्न वर्ष होता है। बृहस्पति की अपनी मध्य गति से प्रभव आदि नाम वाले 8-60 संवत्सर होते हैं। प्रभव विभव शुक्ल प्रमोद प्रजापति अंगिरा श्रीमुख भाव युवा दाता विश्व ईश्वर बहुधान्य प्रमाथि विक्रम ध्रुव वृष चित्रभानु सुभानु तारण पार्थिव व्यय सर्वजनित सर्वजित सर्वधारी विरोधी विकृत खर नंदन विजय जय पंथन दुर्मुख हेम लंब विलंब स्वीकारी सर सवरी पल्व शुभकृत शोभन क्रोध्री क्रोधि विश्वावसु पराभव पल्लवज प्लवसी किलक सौम्य समान विरोध कृत परिभावी प्रमादि आनंद राक्षस अनल पिंगल कालयुक्त सिद्धार्थ रौद्र दुर्मति दुर्दुम्भी दुरी रौद्र राक्षस क्रोधन तथा क्षय 60 संवत्सर जानने चाहिए। ये सभी अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। 5 वर्षों का युग होता है। इस तरह 60 संवत्सरों में 12 युग होते हैं। उन युगों के स्वामी क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिए। विष्णु बृहस्पति इंद्र लोहित त्वष्टा अहिर्बुंद्य पितर विश्वदेव चंद्रमा अग्ना इंद्र अग्नि अश्विनी कुमार तथा भग। इस प्रकार युग के भीतर जो 5 वर्ष होते हैं उसके स्वामी क्रमशः अग्नि सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा और शिव हैं। संवत्सर के राजा मंत्री तथा धान्य स्वरूप ग्रहों के बलाबल का विचार करके उन तत्कालीन स्थितियों को भी भली भांति जानकर संवत्सर का फल सुनना चाहिए। मकरादि 6 राशियों में 6 मास तक सूर्य के भोग से सौम्यायन मतलब उत्तरायण होता है। वह देवताओं का दिन और कर्कादि 6 राशियों में 6 मास तक सूर्य के भोग से दक्षिणायन होता है। वह देवताओं की रात्रि गृह प्रवेश विवाह प्रतिष्ठा तथा यज्ञोपवीत आदि शुभकर्म माघ आदि उत्तरायण के मासों के करने चाहिए। दक्षिणायन में उक्त 8 कार्य ग्रहति त्याग माना गया है। अत्यंत आवश्यक हो तो उस समय पूर्व अत्यंत आवश्यक हो तो उस समय पूजा आदि यत्न करने से शुभ होता है। माघ से 2-2 मासों की शिशिर आदि 6 ऋतुओं होती है। मकर से 2-2 राशियों में सूर्य भोग के अनुसार क्रमशः शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं उत्तरायण में होती है। और कर्क से 2-2 राशियों में सूर्य भोगों के अनुसार क्रमशः वर्षा शरद और हेमंत ये 3 ऋतुएं दक्षिणायन में होती है। शुक्ला पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक चंद्र मास होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक सौर मास होता है। 30 दिनों का एक सावन मास होता है। और चंद्रमा द्वारा सब नक्षत्रों के उपभोग में जितने दिन लगते हैं उतने यथार्थ 27 दिनों का एक नक्षत्र मास होता है। मधु माधव शुक्र सुचि नभ नभस्त ईश ऊर्ज सहस्य तप और
तपस्या। ये चैत्रादि 12 मासों की संज्ञा है, जिन मास की पौषमास पूर्णमासी जिस नक्षत्र से युक्त हो उस नक्षत्र के नाम से ही उस मास का नामकरण होता है। जैसे जिस मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है उस मास का नाम चैत्र का होता है, और वह पूर्णमासी भी उसी नाम से विख्यात होती है जैसे चैत्री वैसाखी आदि। प्रत्येक मास के दो पक्ष क्रमशः देवपक्ष और पितृपक्ष है। अन्य विद्वान कहे शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष कहते हैं। वे दोनों पक्ष शुभाशुभ कार्यों में सदा उपयुक्त माने गए। सर्प चंद्रमा कार्तिक सूर्य महेंद्र वासो नाग गुरु दुर्गा दंडधर शिव विष्णु हरि रवि काम शंकर कलाधर यम चंद्रमा विष्णु काम और शिव ये सब शुक्ला प्रतिपदा से लेकर क्रमशः 29 तिथियों के स्वामी होते हैं। अमावस्या नामक तिथि के स्वामी पितर माने गए हैं। अतिथियों की नंदादि 5 संज्ञा प्रतिपदा आदि तिथियों की क्रमशः नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा ये 5 संज्ञाएं होती है। 15 तिथियों में इसकी 3 आवृत्ति करके उसका पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करने चाहिए। शुक्ल पक्ष में प्रथम आवृत्ति 1, 2, 3, 4, 5 ये तिथिया धम, द्वितीय आवृत्ति 6, 7, 8, 9, 10 से तृतीय मध्यम और तृतीय आवृत्ति 11, 12, 13, 14, 15 से तृतीय शुभ होती है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रथम आवृत्ति की नारदादि नंदादि तिथिया इष्ट मतलब शुभ, द्वितीय आवृत्ति की मध्यम और तृतीय आवृत्ति की अनिष्ट पद अधम होती है। दोनों पक्षों की 8, 12, 6, 4, 9, 14 से तिथियां पक्षरंदर कही गई है, उन्हें अत्यंत रुक्ष कहा गया है। इसमें क्रमशः आरंभ में 4, 14, 9, 9, 24, 25 और 6 घड़िया सब शुभ कार्यों में त्याग देने योग्य है। अमावस्या और नवमी को छोड़कर अन्य सब विषम तिथियां 3, 3, 5, 7, 11, 13 सब कार्यों में प्रशस्त है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पक्षी षष्ठी में तेल, अष्टमी में मास, चतुर्दशी में क्षौर और पूर्णिमा और अमावस्या में स्त्री का सेवन त्याग दिए हैं। अमावस्या षष्ठी प्रतिपदा द्वादशी सभी पर्व और नवमी इन तिथियों में कभी दातोन नहीं करना चाहिए। व्यातिपात संक्रांति एकादशी एवं एकादशी पर्व रवि और मंगलवार तथा षष्ठी तिथि और वेद्रुति योग में अभ्यंजन उपटन का भी निषेध है। जो मनुष्य दसवीं तिथि में अम्ले से स्नान करता है उसको पुत्र की हानि उठानी पड़ती है। त्रयोदशी को अम्ले से स्नान करने पर धन का लाभ